तो श्री भगवान ने कहा, मैं अंतिम जो बिंदु है वो ये है कि हमने अभी तक जितने उदाहरण दिए स्त्री पुरुष के आकर्षण से संबंधित हैं, जिनमें विशेष रूप से त्वचा इंद्रिय स्पर्श का सुख प्राप्त करने के लिए मन का हरण करती है, परंतु त्वचा इंद्रिय के अतिरिक्त अन्य चार इंद्रियां और हैं जो अपने अपने विषय सुख प्राप्त करने के लिए मन का हरण करती हैं। अब नेत्र इंद्रिय सुंदर रूप देखने के लिए मन का हरण करती है। इसका उदाहरण पतिंगा, उसकी नेत्र इंद्रिय अग्नि का सुंदर रूप देखने के लिए उसके मन का हरण कर लेती है और वो अग्नि में जाकर भस्म हो जाता है। फिर श्रोत्र इंद्रिय मधुर संगीत सुनने के लिए मन का हरण करती है। इसका उदाहरण हरिण है, उसकी श्रोत्र इंद्रिय मधुर संगीत सुनने के लिए उसके मन का हरण कर लेती है और वह शिकारी के द्वारा छोड़े गए बाण को देखकर भी भाग नहीं पाता और मारा जाता है। यहाँ पर विपश्चिता यानी भूला नहीं है, वो देखता है कि वो शिकारी बाण मार रहा है ना, लेकिन तो भी हरण नहीं भागता है क्योंकि इंद्रिय ने उसके मन का हरण कर लिया। रसना इंद्रिय स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए मन का हरण करती है। इसका उदाहरण मछली है, उसकी रसना इंद्रिय स्वादिष्ट कीड़े को खाने के लिए उसके मन का हरण कर लेती है तथा वो कीड़े को कांटे के सहित निगल जाती है और प्राणों से हाथ धो बैठती है। अब घ्राण इंद्रिय सुगंध सूंघने के लिए मन का हरण करती है। इसका उदाहरण भ्रमर कमल में बैठकर उसका मधु ग्रहण करता है। जब सूर्यास्त के समय कमल पुष्प बंद हो जाता है तो उसके अंदर सुगंध बहुत तीव्र हो जाती है। जब रात्रि के समय हाथी पानी में घुसकर कमल के फूलों को खाता है उस समय भ्रमर की घ्राण इंद्रिय कमल की सुगंध सूंघने के लिए उसके मन का हरण कर लेती है तथा वो हाथी के द्वारा कमल तोड़ने के झटके का अनुभव करके भी कमल पुष्प के बाहर नहीं निकलता है और हाथी के मुख में कुचलकर मर जाता है। अब उसको तो बहुत नोटिस मिल गया, भ्रमर को जो है बहुत नोटिस मिल गया, पूरा नोटिस मिल गया कि हाथी ने कमल को तोड़ा तो कितना झटका लगा और कमल के अंदर उसको भी झटका लग रहा है, लेकिन उसका मन इतना हरण हो गया है कमल की सुगंध, कमल बंद है, सुगंध बहुत तीव्र है, तो इतनी सुगंध आ रही है उसके नाक में कि वो जो है कमल से बाहर नहीं निकलता है। अब कमल बंद है लेकिन भ्रमर कमल से बाहर निकल सकता है क्योंकि वो तो लकड़ी में भी छेद कर देता है, लकड़ी में छेद कर देता तो कमल में छेद करने में क्या परिश्रम है, तो निकल सकता है कमल से बाहर लेकिन हाथी के मुँह में चला जाता है। अब इतना झटका लगा तो भ्रमर को तो थोड़ा सा भी जैसे बैठा है थोड़ा सा ऐसे करो तो भाग जाता है उड़ करके, भ्रमर में इतनी जो है संवेदना होती है कि थोड़ा सा भी खतरा अगर देखता है तो तुरंत उड़ जाता है, लेकिन कमल के अंदर सुगंध इतनी तीव्र है कि उतना झटका लगने के बाद भी वो कमल से बाहर नहीं निकलता है। आप सोचिए ऐसे करता है तो कमल कितना उसमें झूलता है, कमल में कितना झटका लगता है। उसने तोड़ा, हाथी ने तोड़ा कमल को, तो नीचे से तोड़ा तो कमल की डंडी में जो है कितना झटका लगता है और कमल के फूल में कितना झटका लगता है, तो यहाँ विपश्चिता। तो इस प्रकार से पांच इंद्रियां हैं जो कि मन का हरण करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो अब अंतिम बिंदु है, श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम मनोहर भी है। तो यहाँ पर शब्द है हरंती प्रसभम मना, हरंती मना, तो इंद्रियां क्या है, मनोहर इंद्रियां मन को हरण करती हैं, तो इंद्रियों का भी नाम क्या है, मनोहर। और श्री कृष्ण का भी एक नाम क्या है, मनोहर, जिसका अर्थ है मन का हरण करने वाले। इसके अतिरिक्त ब्रज में
श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इस लीला से पता चलता है कि श्री कृष्ण को ताजा माखन अति प्रिय है। यदि हम अपने मन को मक्खन के समान निर्मल और शीतल बना लें, अगर हम अपने मन को मक्खन के समान निर्मल और शीतल बना लें, तो श्री कृष्ण मक्खन की तरह हमारे मन की भी चोरी कर लेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ? कि अगर श्री कृष्ण चुरा लें हमारे मन को, तो फिर इंद्रियों को चुराने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम चोरी करा लें, अपने मन की चोरी करा लें, है ना। और कृष्ण चोर हैं, लेकिन कृष्ण चोरी करते हैं क्या, ताजे मक्खन की चोरी करते हैं। हाँ? तो हमारा मन भी जो है, अगर हम अपने मन को भी निर्मल बना लें, स्वच्छ बना लें, शीतल बना लें, तो कृष्ण क्या करें, चोरी करें, है ना। यदि श्री कृष्ण हमारा मन चुरा लें, तो फिर इंद्रियों को हमारा मन चुराने का अवसर भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ताकि हमारा मन मक्खन के समान स्वच्छ और निर्मल हो सके और श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा सके। तो जो हमारी विधि है, वो यही है, हरे कृष्ण का जाप हमेशा करते रहो और मन क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा और निर्मल रहेगा, शीतल रहेगा, और कृष्ण को जो है चोरी करने की इच्छा होगी। तो श्री कृष्ण की इच्छा जगाओ। हैं? कैसे जगाओ, अपने मन को शुद्ध करके, है ना। तो और मन को शुद्ध करने के लिए हमेशा हरे कृष्ण का जाप करते रहो, है ना। तो सब गोपियाँ भी जो है अपने घर में मक्खन रखती थी, हैं, और यही चाहती थी, इच्छा होती थी कि कृष्ण आए और चोरी करें, हमारे घर में मक्खन की चोरी करें, है ना। तो हमारा भी जो मन है, तो अब इंद्रियां हैं, ये तो महाचोर हैं और हमारे मन के साथी हैं, ये चोरी करने के लिए तैयार हैं, मन को चुराने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ज़्यादा अच्छा यह है कि कृष्ण को जो है अवसर दे दिया जाए चुराने के लिए। कृष्ण चुरा लेंगे तो फिर इंद्रियों को इससे कोई खतरा नहीं, हमें इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा कि हमारे मन को ना चुराएं। लेकिन इंद्रियों को बस में करने की ज़रूरत ही नहीं, अरे कृष्ण ने मन को चुरा लिया तो फिर इंद्रियों को बस में करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके लिए चोरी का माल है ही नहीं। है? कोई चोर अगर आपके घर में घुसे, उसे चोरी का कुछ माल मिले नहीं, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो जब तक कृष्ण हमारे मन को नहीं चुराते हैं, तब तक हमें चिंता रहती है कि इंद्रियां जो है मन को चुरा लेंगी। इसलिए इस इंद्रिय को भी वश में करना, उस इंद्रिय को, पांचों इंद्रियों को वश में करना, पांचों में से कोई भी एक इंद्रिय, है ना। तो 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावामि वामसि। इंद्रियां जो है, पांच इंद्रियों में से जो भी इंद्रिय मन के साथ रहती है, तो मन को चुरा लेती है और बुद्धि को भी चुरा लेती है। जब मन को चुराती है इंद्रिय, तो बुद्धि भी, तदस्य हरति प्रज्ञाम, यहाँ पर हरंती मना, फिर वही इंद्रिय जो है इन बुद्धि को भी चुरा लेती है। अब स्थिर बुद्धि कैसे होगी, बुद्धि की भी चोरी कर ली। हाँ? तो कोई भी इंद्रिय जो है, पांच इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय अगर मन के साथ रहेगी, केवल एक इंद्रिय नहीं है, मतलब स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय का उदाहरण दिया जाता है अक्सर, स्त्री पुरुष का आकर्षण स्पर्श इंद्रिय है, है ना। लेकिन बाकी भी चार इंद्रियां हैं, तो कोई भी इंद्रिय जो है अगर मन के साथ रहेगी, तो मन को चुराएगी और मन को चुरा करके बुद्धि कभी हरण कर लेगी, तदस्य हरति प्रज्ञाम, है ना। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि कृष्ण का जो है, हम जो है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए अपने मन को जो है स्वच्छ करें, सबसे बढ़िया, है ना। तो मन को आप स्वच्छ करिए, अपने मन को स्वच्छ करिए, तो कृष्ण आपके मन को
चुराएंगे, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्शारथी ललिता विशाखा की जय। गौर नताई की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।